ओहो, एक तुम कितनी दफा कह रखा है कुर्सियों को सीधा करके रख दो, बगन को समझ ही नहीं आती, अब खुद ही करनी पड़ेगी। इतनी देर हो गई, अभी तक कोई आया भी नहीं है। अरे अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मुबारक हो। खैर मुबारक अंकल। माशाल्लाह, क्या खूब शादी का घर बना रखा है आपने। बस अंकल माशाल्लाह। अरे ये क्या, गली में टेंट लगाकर रास्ता बंद कर रखा है और कील गाड़ कर सारी गली को भी खराब कर रखा है। मियाँ शादी हॉल में ही कर लेते। अंकल वैसे इसमें कौन सा काम सीधा होता है, बस दो घंटे की बात है, आप आइए तशरीफ रखिए। जाहिल आवाम। नौ बजे का वक्त हो रहा है लेकिन अभी तक कोई पहुंचा ही नहीं, वक्त की कदर ही नहीं है। चलो अब कुछ वक्त है तो थोड़ा सा गेम ही खेल लेता हूं। हेलो हेलो, बस बस बस, चेक पॉइंट मिलने वाला है मुझे, चेक पॉइंट मिलने वाला है। मिल गया मुझे चेक पॉइंट, मिल गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो। खैर मुबारक, तशरीफ रखिए। अस्सलामु अलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अंकल क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, बस गेम खेल रहा हूँ, आखिरी स्टेज है। अंकल जी आपका भी आखिरी स्टेज ही लग रहा है। क्या, जरा तमीज नहीं है इस नई नस्ल को बड़ों से बात करने की। उम्र देखो और इनकी काम देखो, इस अवाम का अल्लाह ही आवज है, छोटे बड़े सबका एक ही हाल है, जाहिल अवाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, आइए तशरीफ रखिए। मुबारक हो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक, तशरीफ रखिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। आइए आइए जनाब, खाना लीजिए, खाना खुल चुका है। चलो भाइयों, कोई खाना खत्म ना हो जाए। आए हाय, कहीं बोटी ही नहीं मिल रही, हर जगह चावल ही नजर आ रहे हैं। ये बात रुक। अरे जरा देखो तो सही, ऐसे प्लेट भर रहे हैं जैसे कि सदा के भूखे हैं। माशाल्लाह से बोटियों का तो पहाड़ खड़ा कर रखा है, इंसान को दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए, जाहिल अवाम। अरे चलो, इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं ही कुछ खा लेता हूँ। अरे जफर तुमने क्या लिया? मैंने दो फ्राइड फिश ली है। ये किधर है? वहां पड़ी हुई है। अरे ये क्या उठा लिया? हाय हाय हाय, मजा आ जाएगा आज तो, पार्टी होगी मेरी तो। ओ देखो जरा कैसे लोग हैं, इसकी कदर ही नहीं, जाहिल अवाम। अरे चलो शाहजेब, चल करने के लिए करीबी पार्क चलते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, खाना बहुत ज्यादा खा लिया है, अब हजम भी तो करना है। अरे हाँ भाई। अरे मियाँ बैठिए। अरे हाँ
अरे पान खाएंगे? अरे हाँ क्यों नहीं। पाकिस्तान में कितनी गंदगी है। अरे हाँ मियाँ क्या बताऊँ, अभी कुछ माह पहले ही मैं सिंगापुर से आया। क्या जगह है, वाह बहुत खूबसूरत। और पाकिस्तान गंदगी आलू जी वाह कुछ नहीं। अरे मियाँ सुनने में तो ये भी आया है ये जापान बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ के लोग सफाई सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। हाय हाय बेड़ा गरक, सारी सफेद सलवार लाल कर दी मेरी। अरे देखो तो सही कैसे लोग हैं, जहाँ देखते हैं पान की पीक फेंक देते हैं, खुद अपने शहर और मुल्क का ख्याल नहीं करते, जाहिल आवाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब्बू गैस के बिल्डर का मामला हल नहीं हो रहा। क्यों क्या हुआ? अब्बू हमारे हिसाब किताब से बाहर है, बहुत पैसे मांग रहे हैं। बेटा कुछ चाय पानी का इंतजाम करो तो मामला सस्ते में निपट जाएंगे, सरकारी कामों में ऐसे ही काम निकलवा जाते हैं बेटा। चले ये तरीका भी इख्तियार कर लेता हूँ। चलो भाई मीटर का मामला तो हल हो गया। क्या आप मैं भी इनके लिए यही कहूँ, जाहिल अवाम। मुआज़्ज़ज़ सामईन, माजरत के साथ पेश की गई खामियां और इससे मिलती जुलती और खामियां भी हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, लेकिन कितनी अजीब बात है कि हम इन खामियों के मुतालिक एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से ज़र्रा बराबर भी नहीं हिचकिचाते, बल्कि हम इस इंतज़ार में होते हैं कि कहीं कोई गलती करे और हमें उस पर तनकीद करने का मौका मिले। अगर हर फर्द अपनी खामियां और अपनी कमी कोताहियां देखे और उनकी इसलाह करे तो मुआशरा खुद बेहतरी की तरफ गामजन हो जाएगा इंशाअल्लाह।